वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए अगर चुनाव घोषित करते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती। वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वो चार राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। हो सकती है, इसलिए इलेक्शन एक साथ नहीं लिए जा रहे चार स्टेट के। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में जाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है। वहां आज ही मैंने खबर यहां ही पढ़ी है, इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी तो जो लोग बैठे हैं ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए, इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो आप चार स्टेट के इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना।